हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी बॉडी कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में कोई डिजीज तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये बहुत सारी डिजीज की रूट कॉज है। और मेरे क्लिनिक में भी जो पेशेंट्स आते हैं या जो भी क्लाइंट्स हैं मेरे, उनमें भी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स के साथ वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम और ये बॉडी कंडीशन एक रूट कॉज होती है। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। ज्यादातर लोगों, ऑलमोस्ट 80 to 90% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। और इसकी वजह से आपको छोटा सा पिंपल स्किन पे हो जाना, एक्ने हो जाना, से लेके अर्थराइटिस, इंडाइजेशन रिलेटेड को भी प्रॉब्लम हो आपको, फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, अर्थराइटिस, हाई बीपी, यहाँ तक कि मूड स्विंग्स और डिप्रेशन तक भी हो सकता है। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम जिसको हम लोग ज्यादातर नजरअंदाज कर देते हैं, वो कितनी बड़ी डिजीज में कन्वर्ट हो सकती है अगर हम उसको उसके इनिशियल फेज में कंट्रोल ना करें। तो कॉन्स्टिपेशन जो है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या रेमेडीज हैं जो आप अपनी फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो मैंने दो में डिवाइड की है। आज हम कॉन्स्टिपेशन के बेसिक गाइडलाइंस हैं जो फॉलो कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और जो उसका सेकंड वॉल्यूम है, सेकंड एडिशन जो है, उसमें हम बात करेंगे क्या क्या होम रेमेडीज हैं, क्या क्या हम डाइट्री चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इस कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पा सकें। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, इरेगुलर फूड हैबिट्स, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, स्ट्रेस एंड इंक्रीज इनटेक ऑफ कैफीन, ये कुछ कॉजेज हैं जिस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और इस कॉन्स्टिपेशन में जनरली क्या होता है, आपका जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होता, और कहीं ना कहीं स्टूल वो इंटेस्टाइन में रह जाता है। वहां पे फिर उस स्टूल का फर्मेंटेशन होता है, टॉक्सिस फॉर्म होते हैं, और इंटेस्टाइन उन टॉक्सिस को बॉडी में एब्जॉर्ब करती है, जिसको हम कहते हैं ऑटोटॉक्सिन। और ये टॉक्सिन धीरे धीरे बॉडी में मूव करते हैं और हमें वेरियस डिजीजेस देते हैं। तो जो ये बेस कॉज है हमारा, अगर इनमें से भी कोई कॉज है, तो हमें उसको दूर करने के लिए अपना वर्क करना चाहिए। तो अब देखते हैं गाइडलाइंस क्या है जो हम फॉलो कर सकते हैं और इस कॉन्स्टिपेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। तो पहला है, से नो टू इरेगुलर मील टाइमिंग्स एंड स्नैकिंग। जनरली क्या होता है कि हम अपने मेन मील्स के बीच में जो स्नैक्स खाते हैं, वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं और डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बॉडी पे मेटाबॉलिक लोड जो है, उस प्रोसेस को हिंडर करती है, वो लोड बढ़ा देती है। तो अपने मील टाइमिंग्स में, आपका एक मील डाइजेस्ट होने में जो भी आप मेन मील लेते हैं, 3 to 4 hours लगते हैं। तो इन मील्स के बीच में कुछ हैवी स्नैक्स ना लें, नहीं तो ये जो भी आप लेते हैं वो अननेसेसरी बॉडी के जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको हिंडर करते हैं, उसको रोकते हैं, और ये अनडाइजेस्ट या पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है, वो बॉडी में टॉक्सिन्स फॉर्म करता है और एक रीजन होता है कॉन्स्टिपेशन का। तो से नो टू इरेगुलर फूड टाइमिंग्स एंड स्नैकिंग। दूसरा है कि अवॉइड टू हैवी फूड्स एंड टू लाइट फूड। टू हैवी फूड पे यहाँ पे आते हैं मीट है, प्रोसेस्ड फूड है विद एडिड शुगर्स हैं, आपके जो भी टेट्रा पैक में सामान आता है, रेडी टू ईट फूड आता है, ये कहीं ना कहीं डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम करता है। और जब भी कॉन्स्टिपेशन, जिसको भी ज्यादातर देखा गया है, उसमें ये होता है कि डाइजेस्टिव फायर थोड़ी वीक होती है, वो प्रॉपरली खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और ये एक रीजन होता है कॉन्स्टिपेशन का। दूसरा है वेरी लाइट फूड। वेरी लाइट फूड में जनरली क्या होता है, इसमें अगर एग्जाम्पल्स ले लाइट फूड के, तो जैसे आपका पफ्ड राइस हो गया, इसको मुरमुरे कहते हैं, पॉपकॉर्न हो गया, या रॉ सैलेड हो गया, इन सब में एसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी रहती है, और तब ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन में नहीं होता आपका खाना, तो ये कहीं ना कहीं बॉडी में जो है, इसका जो मूवमेंट है इंटेस्टाइन के थ्रू, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, ये स्टूल को ड्राई करता है, जिस वजह से हम कॉन्स्टिपेशन फेस करते हैं। जो थर्ड है वो है हमारा कि ईट वार्म फूड एंड ड्रिंक्स। जो भी आप खा रहे हैं उसको जो है वो गर्म खाइए। तो अगर आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से अगर आप परेशान हैं, तो खाना गर्म खाना बहुत जरूरी हो जाता है। फिजिक्स में हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था,
कोल्ड कॉन्स्ट्रिक्ट एंड हीट एक्सपैंड, तो सेम प्रिंसिपल हमारी बॉडी में फॉलो होता है। अगर हम बहुत ज्यादा ठंडा खाना खाएंगे तो हमारे जो चैनल्स हैं बॉडी के वो सिकुड़ जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, उसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है। तो इसलिए अपने खाने को गर्म करके खाइए, गर्म खाना ही खाइए। अगर आप रेफ्रिजरेटेड कोई चीज लेते हैं लाइक सैलेड है या फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो मेक श्योर कि आप उसको थोड़ी देर पहले बाहर निकाल के रख दें और जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आप उसको खाएं। अवॉइड एक्सेसिव फास्टिंग एंड डाइटिंग। फास्टिंग एंड डाइटिंग हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि डिटॉक्स के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जब भी आप फास्टिंग एंड डाइटिंग कर रहे हैं तो अंडर सुपरविजन या अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस ही कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये डाइटिंग जो आप अपने आप खुद से कर लेते हैं, बॉडी में कोई दोषा को जैसे वात पित्त कफ हम जिसे कहते हैं उसको एग्रीवेट ना कर दें। इसलिए अगर आप फास्टिंग एंड डाइटिंग कर रहे हैं तो जरूरी है आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के थ्रू, जिसमें प्रॉपर एक प्रोटोकॉल फॉर्म करके वो आपको देते हैं ताकि बॉडी के जो है कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े बॉडी में, तभी आप फास्टिंग एंड डाइटिंग कीजिए। जो फिफ्थ है वो है हमारा ज्यूडिशियल इनटेक ऑफ फाइबर, द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी। आप जनरली जब भी हम कॉन्स्टिपेटेड होते हैं तो सबसे पहला एडवाइस हमें जो लोग देते हैं वो है इंक्रीज योर फाइबर इनटेक, और उस फाइबर में हम कई तरह के लैक्सेटिव्स लेते हैं, कई तरह के ब्रांड्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं, रॉ वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई केसेस में देखा गया है कि यही जो अब फाइबर आप इंक्रीज करते हैं ये आपकी एक जो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की उसको एग्रीवेट कर देता है। क्यों एग्रीवेट कर देता है, कि आपने अपनी डाइट में फाइबर इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया लेकिन उस हिसाब से वाटर और फैट इंटेक नहीं बढ़ाया। तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए सिर्फ फाइबर नहीं, फाइबर वाटर एंड फैट का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो जो भी फाइबर आप ले रहे हैं तो देखिए फाइबर जो आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कहीं वो अननेसेसरी लोड तो नहीं बढ़ा रहा अपनी बॉडी के ऊपर और आपकी जो स्टूल है उसको ज्यादा ड्राई तो नहीं कर रहा, तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है। तो आप जब भी फाइबर ले तो अपना वाटर और फैट इंटेक का भी एक बार चेक कर ले कि वो आप प्रॉपर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। एंड जो लास्ट है वो है हमारा ड्रिंक गुड अमाउंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हम जनरली जो सजेस्ट करते हैं वो है 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, और ये वाटर एक एवरेज फॉर्म में हमने ले रखा है। जरूरी नहीं हो सकता किसी को ज्यादा रिक्वायरमेंट हो वाटर की, किसी को कम हो। तो बेस्ट तरीका कि आप वाटर ठीक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं उसका एक क्राइटेरिया है कि आप अपने यूरिन का कलर चेक कीजिए। इफ इट्स टूवर्ड्स डार्कर येलो साइड, इसका मतलब आपका पानी कम है, यू हैव टू इंक्रीज योर वाटर इनटेक। और अगर वो टूवर्ड्स लाइट येलो है या टूवर्ड्स व्हाइटिश है, इसका मतलब आप पानी ठीक पी रहे हैं। तो पानी कितना पीना है वो डेली बेसिस पे चेंज होता है, आपकी एक्टिविटी के ऊपर चेंज होता है, आप गर्मी में कितना निकल रहे हैं, एसी में कितना बैठे हुए हैं, तो इस हिसाब से आपको अपने डेली बेसिस पे वाटर इनटेक जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है। तो चेक योर यूरिन कलर, उसके बाद आप अपना वाटर इनटेक एडजस्ट करिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। पहले इन गाइडलाइंस को एक, दिस इज द बेसिक टू गेट रिलीफ फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद ही अगर जो भी हम होम रेमेडीज करते हैं उनका असर बहुत अच्छा आता है। तो इस पार्ट में हमने ये डिस्कस किया कि क्या क्या गाइडलाइंस, क्या क्या प्रोटोकॉल्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं। अब जिसका नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन पार्ट टू बनेगा वहां पे कुछ आपको मैं बेसिक होम रेमेडीज बताऊंगी जो आप यूज कर सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।